हाय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवानी अग्रवाल, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके इस चैनल में गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है यूनिट फर्स्ट का वन शॉट वीडियो ईवीएस में। और ये यूनिट, जैसा कि हम आपको बता दें कि हर सब्जेक्ट में, लगभग हर सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट जो होता है वो रादर देन अदर यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम इस यूनिट की भी बात करें तो 7-7 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस तो इसमें आएंगे ही आएंगे, बाकी 2 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आए रखे हैं। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। और मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको इस वीडियो के जो नोट्स हैं, आप पहले इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जो सही तरीका होता है यूट्यूब से पढ़ने का वो ये होता है कि आप जो भी कॉन्टेंट है पहले उसका वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, उसके बाद उसके नोट्स को की पीडीएफ को जो है वो स्टडी करिए। तो पीडीएफ आपको पता ही है, हमारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन के थ्रू आपको हमारे सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सही तरीका है वो मैं बताना चाहूँगी, एक बार पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद नोट्स की स्टडी करिए और उसके बाद जो सेक्शन आपको कम समझ में आ रहा है उसको दोबारा से रिवर्ट कर करके आप देख लीजिए। तो आपको पूरा यूनिट जो है खाली सुनकर और थोड़ा सा पढ़कर ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइए, ये बातें तो होती रहेंगी, अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। और पहला ही क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। और ये आएगा स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के स्कोप की बात करें तो इट इंक्लूड्स बेसिकली 3 सेगमेंट्स। इसमें 3 सेगमेंट्स आते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, इस तरह का डायग्राम आप ज़रूर बना लीजिएगा। इस तरह के डायग्राम बनाने का एक्चुअली बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि AKTU की चेकिंग थोड़ी रफ है, थोड़ी ब्लाइंड हम कह सकते हैं, समवट ब्लाइंड, कहीं कहीं ब्लाइंड हो जाती है। तो अगर आप इस तरह के चार्ट्स और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करके आएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, तो आपकी कॉपी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड और ऑटो रीडेबल हो जाएगी। तो यू विल बी हैविंग गुड मार्क्स रादर देन कि जब आप प्लेनली लिखते हैं तो उसके मतलब अगेंस्ट में। तो यहाँ बेसिकली हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 3 सेगमेंट होते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। यानी पहले साइंस और उसके बाद इंजीनियरिंग और फिर उसके बाद मैनेजमेंट। अगर हम एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो इट डील्स बेसिकली विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल सिस्टम। और जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल सिस्टम की तो उसके अंदर जितने भी एनवायरमेंट के कंपोनेंट हैं, जितने भी एनवायरमेंट के एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब एनवायरमेंटल एलिमेंट्स में क्या आता है कि आपका एयर आता है, वाटर आता है, सॉयल, लैंड, फॉरेस्ट, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं, तो एनवायरमेंटल सिस्टम है। फिर द इनहेरेंट चेंजेस ऑन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीव जंतु, जो जीव जंतु हैं उनमें इनहेरेंट चेंजेस, जो उनमें होने वाले परंपरागत चेंजेस हैं, बदलाव हैं, वो आते हैं। दूसरा क्या आता है, एनवायरमेंटल डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब क्षतियाँ, क्षतियाँ का मतलब जो विकृतियाँ हो रही हैं, जो डैमेजेस हो रहे हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इंटरवेंशन विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ जो ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, जो ह्यूमन हस्तक्षेप हो रहा है, उस हस्तक्षेप के कारण से जो पर्यावरण की क्षतियाँ हो रही हैं, पर्यावरण के नुकसान हो रहे हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो बात करें अगर पहले तो एनवायरमेंटल साइंस में क्या क्या आता है, एनवायरमेंटल सिस्टम की स्टडी, यानी एयर वाटर जो भी एनवायरमेंटल कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं, उनकी स्टडी। फिर इनहेरेंट चेंजेस ऑन ऑर्गेनिज्म, यानी जीव जंतुओं में होने वाले परंपरागत पीढ़ीगत जो इनहेरेंट चेंजेस हैं, पीढ़ीगत बदलाव हैं, वो आते हैं। और पर्यावरण में होने वाले नुकसान या पर्यावरण में होने वाले बदलाव भी आप लिख सकते हैं, नकारात्मक बदलाव, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए पर्यावरण में होने वाले नकारात्मक बदलाव, जो नकारात्मक बदलाव मानव की प्रकृति के साथ हस्तक्षेप के कारण से घटित हो रहे हैं। इसके अलावा आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जैसे हमने बात करी थी एनवायरमेंटल साइंस के बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो है वो क्या चीज़ की स्टडी होती है, टेक्निकल एड्स की स्टडी होती है, इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, जो टेक्निकल एड का मतलब सहायता, वो सहायता की चीज़ें, वो टूल्स, वो सहायक टूल्स जो कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन यानी बचाव के लिए ज़रूरी हैं। तो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो टेक्निकल एड्स हैं उनकी स्टडी होती है।
हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द एनवायरमेंटल क्वालिटी, किस तरह से जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से एनवायरमेंटल क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाती है, इसकी भी स्टडी होती है। यानी तकनीकी किस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधार पाती है, वो भी स्टडी होती है। फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स, वेलबींग का मतलब होता है वेलफेयर, यानी वेलफेयर का मतलब, वेलबींग का मतलब सुरक्षा, देखभाल। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल क्वालिटी को सुधार पाती है, किसके लिए, मानवों की हेल्थ और मानवों की सुरक्षा के लिए। तो पहले तो क्या है, टेक्निकल एड्स की, वो टेक्निकल एड्स, वो टेक्निकल सहायता के क्रम जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में सहायता करते हैं, और किस तरह से तकनीकी हमारे एनवायरनमेंट को की क्वालिटी को, पर्यावरण की क्वालिटी को सुधार पाती है, ताकि जीव जंतुओं का और मानवों का की हेल्थ और वेलबींग की सुरक्षा हो सके। अब आता है तीसरा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। जैसे कि मैनेजमेंट है, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टडी ऑफ सिस्टम्स, उन सिस्टम्स की स्टडी होती है इन प्लेस टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट, जो कि पॉल्यूशन को प्रिवेंट, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और इसी तरह की, एंड लाइक का मतलब इसी तरह की प्रॉब्लम्स को कंट्रोलिंग और प्रिवेंशन करती हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, कंट्रोल करना और प्रिवेंशन करना, यानी कि जो नियंत्रण करती हैं और बचाव करती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और इसी तरह की प्रॉब्लम्स का को नियंत्रित और बचाव करती हैं, उन सब सिस्टम्स की स्टडी होती है। टू एंश्योर, ये एंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ये एंश्योर करना कि फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना का मतलब है जीव जंतु और वनस्पति जो है किसी भी एरिया की, वो एनहांस हो, वो बढ़ सके, यानी कि उनमें संवर्धन हो सके। तो फ्लोरा और फौना का मतलब है जीव जंतु और वनस्पति। तो किसी भी स्थान का फ्लोरा और फाना, यानी कि जीव जंतु और वनस्पति का एनहांसमेंट हो सके, ये भी सुनिश्चित किया जाता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। प्रिवेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उन पर्यावरण के प्रभावों को प्रिवेंट करना, बचाना, जनरेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेवाओं और प्रोडक्ट्स के द्वारा जनरेट किए गए नकारात्मक प्रभावों से एनवायरनमेंट को बचाना, ये भी एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग के स्कोप में आता है। इन तीनों के अलावा, यानी कि जो हमने ये तीन पढ़े थे और इन तीनों में सेगमेंट्स पढ़े थे, उनके अलावा जो है इसमें क्या आता है कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ और भी एरियाज़ को कवर करती है। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज़ वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि एनवायरमेंट हमारे सारे तरफ विद्यमान है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट एवरी नॉन लिविंग एंड लिविंग बीइंग्स। ये जो है लगभग हर नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग को कवर करता है, और इन्फ्लुएंस देम, और उनको प्रभावित भी करता है। इन्फ्लुएंसेस का मतलब प्रभावित करना। इन ईच मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, हमारे जीवन के हर पल में लिविंग बीइंग्स और इवन नॉन लिविंग बीइंग्स को भी प्रभावित करता है। मोस्ट कॉमनली एनवायरमेंटल स्टडीज़ में क्या क्या आता है, स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी, जैसे ये एनर्जी, प्लांट्स, एयर, फूड, मिनरल्स, लैंड या सॉयल, वाटर एट्सेट्रा। ये एनर्जी है, आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इकोसिस्टम यानी कि बायोमास की स्टडी आती है। इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो देखिए चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इको, और ऐसा नोट्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इतना डिस्क्रिप्टिव और इतना जो है रिसर्च करा हुआ, इतना जो है डायग्राम बना हुआ। तो आप बहुत अच्छे से इसे तैयार भी कर सकते हैं, इवन जो हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं उनके लिए भी ये बहुत आसान है। नेचुरल बायोमास यानी कि प्राकृतिक बायोमास, और आर्टिफिशियल यानी कि जो है कृत्रिम बायोमास, इसका मतलब है कृत्रिम। अब नेचुरल बायोमास में क्या आता है, टेरेस्ट्रियल बायोमास आता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जलीय जीव जंतु, और सॉरी टेरेस्ट्रियल का मतलब है धरती पर रहने वाले, है ना। और एक्वेटिक बायोमास में क्या आता है, जलीय जीव जंतु आते हैं। अब टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा, रेन, डेजर्ट, कल्टीवेटेड लैंड यानी उपजाऊ जमीन। और इसमें क्या आएगा, मरीन आएगी, फ्रेश वाटर आएंगे। अब आर्टिफिशियल बायोमास में क्या आता है, पॉन्ड बायोमास आता है, और स्टेप्ड कट हिल स्लूप बायोमास, स्टेप्ड कट हिल स्लूप बायोमास आते हैं। अब बायोडाइवर्सिटीज़ होती है, इसके अलावा, इनके अलावा
यानी कि इकोसिस्टम बायोमास के अलावा इसमें क्या स्टडी होती है, इसके स्कोप में बायोडाइवर्सिटीज़ की स्टडी होती है। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी आती है, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी आती है, लैंडस्केप की डाइवर्सिटी आती है। पॉल्यूशन का अध्ययन होता है, इसमें पॉल्यूशन में क्या क्या काज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, काज का मतलब कारण, कारण और परिणाम, इसका मतलब है परिणाम, कारण और परिणामों की स्टडी होती है। प्रिवेंशन रेमेडीज़ की स्टडी होती है, यानी सुरक्षात्मक बचाओ, सुरक्षात्मक रेमेडीज़ का मतलब है बचाओ, किस तरह से हम सुरक्षा कर सकते हैं, यानी कि पॉल्यूशन के कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज यानी रिजल्ट्स क्या हैं, और प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या हैं या प्रिवेंशन रेमेडीज़ क्या हैं, यानी कि बचाओ। खाली रेमेडीज़ भी लिखोगे तो भी चलेगा, किस तरह के पॉल्यूशन के, इन सारे पॉल्यूशंस के। देखिए कुछ पॉल्यूशन इसमें बड़े नए नए मैंने लिए हैं, एयर, वाटर, सॉयल, नॉइज़, ये सभी को पता है, सॉलिड वेस्ट भी आपको पता होगा, मेडिकल वेस्ट ये नया है तो आप ध्यान रखिएगा, मेडिकल वेस्ट पॉल्यूशन के क्या कॉज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। थर्मल पॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल नया है, इसे याद रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉल्यूशन आपके लिए नया है, इसे याद रखेगा। मरीन पॉल्यूशन है, ई पॉल्यूशन भी है, वो भी याद रखेगा। और मैग्नेटिक पॉल्यूशन, ये जो है हमारे सारे नए हैं, आप इस तरह से भी चार्ट करके लिख सकते हैं और इस तरह से भी चार्ट आप बना सकते हैं, है ना, बहुत सारे चार्ट हमने बनवाए हैं, आप बना लीजिएगा। अब आता है सोशल, एथिकल और एस्थेटिक पॉल्यूशन, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने ही बनाया है। सामाजिक, सोशल का मतलब है सामाजिक पॉल्यूशन, एथिकल का मतलब है नैतिक पॉल्यूशन, और एस्थेटिक का मतलब है ललित कलाओं से संबंधित पॉल्यूशन। इसके अंदर बहुत सारी एरियाज आते हैं। अब सामाजिक पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो दहेज प्रथा है ना, बैगर्स प्रॉब्लम, ये सारी जो आएंगी वो इसमें ही आएंगी, ये भी तो पॉल्यूशन ही है एक तरह के, है ना, चाइल्ड मैरिज, ये सारी जो हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स में आएंगी, प्राइस राइजिंग की प्रॉब्लम। अब जो है एथिकल में क्या आएगा वो देख लीजिए आप, ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आएंगे, एसिड रेन आएगा, है ना, ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब गिरना, रीसेटलमेंट आएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आएगी, अर्बेनाइजेशन जो है वो सोशल में आएगा, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सोशल है, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये क्या है, नगरीकरण है और ये क्या है, औद्योगिकरण है। कंज्यूमरिज्म यानी कि उपभोक्तावाद, इसको कहेंगे उपभोक्तावाद, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, आप भी हमें दुआ देंगे शायद, है ना भाई। कुछ और इनके अलावा भी कुछ और एरियाज़ हैं, इंटरडिसिप्लिनरी, बहुत सारे अबव एरियाज आर इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब एक दूसरे से संबंधित है। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज आल्सो एक्सटेंड, इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे वेदर इफेक्ट, क्लाइमेटिक चेंज यानी कि जलवायु के चेंज, है ना, जलवायु से संबंधित चेंज, मौसम के बदलाव, अर्थक्वेक डिज़ास्टर, लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन, खलन, फूड डिज़ास्टर यानी कि डिज़ास्टर का मतलब उपद्रव होता है, फूड का मतलब पता ही है भोजन की कमी, वाइल्ड लाइफ है ना, डिप्लीशन भी लिख सकते हैं यहाँ, वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन यानी उनका क्षतिग्रस्त होना, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय पेस्टिसाइड्स, एयर कंडीशनर्स, एसीज से भी तो होता है, रेफ्रिजरेटर्स, कंप्यूटर्स, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं ना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान यानी कि आपने देखा होगा छोटी छोटी दुकानें खोल लेते हैं जगह जगह, एक के ऊपर दूसरी दुकान खोलते जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। द रीज़न फॉर ड्यू, मिस्ट, फॉग, स्मोक, रेनफॉल टू अकर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो वेदर इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है, वेदर इफ़ेक्ट से क्या होता है कि ड्यू होता है, मिस्ट होती है, फॉग होता है, स्मोक होता है, स्नोफॉल होते हैं, तो ये सारे हमारे स्कोप में आ जाएंगे। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ह्यूमन सर्वाइवल, एनवायरमेंट जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। द नीड टू हैव ए नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज़ नॉट कन्फाइंड टू एनवायरमेंटल इशूज़, की नॉलेज जो है वो इस तक ही लिमिटेड नहीं है, इस तक ही कन्फाइंड नहीं है, कन्फाइंड का मतलब सीमित नहीं है, किस तक सीमित नहीं है,
एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और पॉलिसी मेकर। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एनवायरमेंट की स्टडी केवल एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ही करें या इंजीनियर्स करें या पॉलिसी मेकर्स करें, इस तक ही, इन लोगों तक ही एनवायरमेंटल इश्यूज़ की स्टडी, एनवायरमेंटल इश्यूज़ का ज्ञान होना इन लोगों तक ही सीमित नहीं है। बट इन आवर सोसाइटी ऑल एजुकेटेड पीपल नीड टू हैव ए डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हमारी सोसाइटी में जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनको एक सूझबूझ वाली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये वर्ड, ये याद रखिएगा, की वर्ड है डेलिबरेट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट की और उससे रिलेटेड इशूज़ की। मेन पॉइंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आर एज फॉलोज। जो एनवायरमेंटल एजुकेशन में मेन पॉइंट्स हैं उनमें क्या क्या आता है? टू नो द मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग। ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन करने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल वेज जीने के निकालना, जीने के ज़्यादा से ज़्यादा सतत तरीके निकालना। टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का मतलब इंटेलिजेंटली, यानी सोच समझ के। अगर आपको डेलिब्रेटली नहीं याद रहता है तो इंटेलिजेंटली की का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक करना। टू कंजर्व आवर फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे तेज़ी से गिरते हुए, फास्ट डिप्लीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान से बार बार देख लीजिएगा। हमारे जो तेज़ी से गिरते हुए नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना, संरक्षित करना, उनको बचाना। टू नो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटीज़। इंटर रिलेशनशिप को यानी आपसी संबंधों को जानना, किसके बीच में आपसी संबंधों को जानना है आपको? ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या में जो जीव जंतु हैं, जनसंख्या और समुदायों में जो जीव जंतु हैं उनका। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा कि टू नो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जीव विभिन्न जीव जंतुओं के बीच में इंटर रिलेशनशिप को जानना और समझना। टू नो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर नेचुरल कंडीशंस। अब ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर जानना अंडर नेचुरल कंडीशन, किस नेचुरल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म किस तरह से बिहेवियर करेंगे। टू अवेयर एंड एजुकेट पीपल रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इशूज़। लोगों को जागरूक करना और शिक्षित करना एनवायरमेंटल इशूज़ और प्रॉब्लम्स के बारे में, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फूड चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट फूड चेन को जानना और इकोलॉजिकल बैलेंस को, नेचर के जो इकोलॉजिकल बैलेंस को जानना। टू बेटर अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब एनवायरमेंटल स्टडी क्यों ज़रूरी है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग माने ज़्यादा अच्छी तरह से ताकि आप समझ सकें। एंड पोटेंशियली ऑफर, और उसके लिए फिर पहले तो प्रॉब्लम को समझें और उसके लिए फिर सॉल्यूशन ऑफर कर सकें। टू एस्टैब्लिश ए स्टैंडर्ड फॉर ए सेफ क्लीन एंड हेल्दी नेचुरल इकोसिस्टम। एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना किसके लिए? एक सेफ क्लीन और हेल्दी नेचुरल इकोसिस्टम के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ की स्टडी होना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्यों भी इम्पॉर्टेंट है इनके अलावा? टू लर्न हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क्स, किस तरह से प्राकृतिक संसार काम करता है इसकी जानकारी लेने के लिए। टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, किस तरह से मानवों का मतलब मनुष्यों का, हम लोगों का किस तरह से इंटरैक्शन होना चाहिए या हमारी डीलिंग कैसे होनी चाहिए किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। टू फाइंड वेज सॉल्यूशंस टू डील विद द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए को डील करने के लिए, एनवायरमेंटल समस्याओं से जूझने के लिए, डील का मतलब है उनको हल करने के लिए, उनसे जूझने के लिए सॉल्यूशन और वेज निकालना। तो इन सब के लिए हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जानकारी होना आवश्यक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ नीड फॉर अवेयरनेस, ये भी थोड़ा अलग हो जाता है कि जागरूकता की क्या आवश्यकता है। ऊपर के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये देखिए, ये मैंने बड़ा अच्छी सी कोटेशन लेने की कोशिश करी है। इफ़ यू प्लान फॉर वन ईयर प्लांट राइस, इफ़ यू प्लान फॉर 10 ईयर्स प्लांट ट्रीज एंड इफ़ यू प्लान फॉर 100 ईयर्स एजुकेट पीपल। यानी अगर आप प्लान कर रहे हैं वन ईयर के लिए तो आपको राइस लगाना होगा,
धान लगाना होगा। इफ़ यू प्लांट फॉर 10 ईयर्स, अगर आप 10 सालों की का प्लानिंग करके चल रहे हैं तो पेड़ लगा दीजिए। एंड इफ़ यू प्लान फॉर 100 ईयर्स, और लेकिन अगर आप 100 सालों की प्लानिंग करके चल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, एजुकेट करना होगा लोगों को। तो ये एक बड़ी कैची सी कोटेशन है, अगर आप इससे इस आंसर को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, कमिटमेंट है। Hence there is a dire need. Dire need का मतलब एक सख्त ज़रूरत है of people to be aware about environmental education. तो इस तरह से एक dire need है, एक सख्त ज़रूरत है कि लोगों को environmental education के बारे में aware हों, जागरूक हों। If we want to manage our planet Earth, अगर हम अपनी planet Earth को manage करना चाहते हैं तो we have to make all the persons environmentally educated. तो हमें अब सभी लोगों को environmentally educated होना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि एक education ज़रूरी है, education के बाद एक era आया जहाँ पर computer education यानी कि literacy तो ज़रूरी थी ही, यानी शब्दों का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान, उसके बाद computer literacy बहुत ज़रूरी हुई। लेकिन आज का जो scenario है जिसमें environment का बहुत ज़्यादा depletion होता जा रहा है, क्षतिग्रस्त होता जा रहा है, डिग्रेडेशन होता जा रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में आज की ज़रूरत है कि लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी के साथ साथ एनवायरमेंटल लिटरेसी भी होनी चाहिए। तो एनवायरमेंटली लिटरेसी वाले लोगों की ज़रूरत है। रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस इज ऑल अबाउट, पब्लिक अवेयरनेस को रेज करना यानी कि उठाना क्या है, पब्लिक अवेयरनेस को उठाने का क्या मतलब है, एक्सप्लेनिंग इशूज and disseminating knowledge to people so that they can make their own choices. बड़ा important है, जो नहीं है बहुत होशियार बच्चा वो इतना भी लिखेगा तो बहुत बहुत अच्छा impression पड़ेगा, लेकिन जो advanced बच्चे हैं उनके लिए ये है कि public awareness को उठाने का मतलब है उन issues को explain करना और knowledge को disseminate करना, disseminate का मतलब है चारों तरफ फैलाना, लोगों तक नॉलेज को डिसेमिनेट करना ताकि वो अपनी चॉइसेस बना सकें, और अपनी चॉइसेस बनाने का मतलब है अपनी डेलिब्रेट चॉइसेस बना सकें। द नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस मे बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ से सभी बच्चे देख लीजिएगा, टू अवेयर द सोसाइटी फॉर प्रिजर्विंग फॉरेस्ट कवर एरिया, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए कि वो फॉरेस्ट कवर एरिया को प्रिजर्व कर सके, फॉरेस्ट कवर एरिया को संरक्षित। अब देखिए एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि कई बच्चों की क्वेरीज ये भी आ रही हैं कि EVS का क्वेश्चन पेपर का सलूशन हम हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में। तो देखिए बहुत ही अच्छा सिस्टम AKTU ने डेवलप कर दिया है कि अगर हम EVS की बात कर रहे हैं तो आप इसमें हिंदी में भी दे सकते हैं टोटल हिंदी में, आप इसमें इंग्लिश में भी दे सकते हैं टोटल इंग्लिश में, और अगर आप कहीं पर हिंदी और कहीं पर थोड़ी इंग्लिश, यानी जो चीज़ आपको हिंदी में आती है वो आप हिंदी में लिख दीजिए, कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में आते हैं तो वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो मिंगल्ड इंग्लिश जो जिसे कहते हैं उसमें भी आप जो है कर सकते हैं, बशर्ते आपका कॉन्टेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ जैसे फॉरेस्ट कवर एरिया को संरक्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने को, सोसाइटी को, समाज को जागरूक करने के लिए भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। टू अवेयर देम अबाउट नॉट कटिंग ट्रीज़, उनको अवेयर करने के लिए कि वो ट्रीज़ को काटे ना, टू यूज़ अल्टरनेट फॉर पेपर, पेपर का अल्टरनेट, पेपर का विकल्प है ना, अल्टरनेट का मतलब है विकल्प, पेपर का विकल्प तलाश करें, टू ब्रिंग डिजिटल रिवॉल्यूशन और डिजिटल क्रांति लाएं ताकि पेपर का यूज़ कम से कम करना पड़े, टू अवेयर देम टू फॉर्मुलेट एंड ओबे द मॉरल कोड्स, लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें किसके लिए कि वो मॉरल कोड्स को, जो नैतिक मूल्य हैं उनको पालन करें, उनकी पालना करें और उनको फॉर्मुलेट करें, मेंट फॉर अचीविंग ए बेटर एनवायरनमेंट, एक बेटर एनवायरनमेंट को अचीव करने के लिए जो मॉरल कोड्स बने हैं उनको ओबे करें, उनका पालन करें और उनको क्रियान्वित करें, फॉर्मुलेट का मतलब है क्रियान्वित करें यानी कि उनको लागू करें, फॉर्मुलेट का मतलब है ये। अबाउट नॉट टू यूज़ टिम्बर, टिम्बर का यूज़ ना करें किसके लिए, एस्थेटिक प्लेजर के लिए यानी ललित कला के प्लेजर के लिए, यानी कि एस्थेटिक प्लेजर का मतलब है सौंदर्य के लिए टिम्बर का यूज़ ना करें, सच एज इन डेकोरेटिंग आर हाउसेज, जैसे कि अपने घरों को सजाने के लिए टिम्बर का यूज़ ना करें, टू अवेयर सोसाइटी अबाउट नॉट टू स्प्रेड पॉल्यूशन, समाज को जागरूक करने के लिए किस लिए, ताकि वो पॉल्यूशन को ना फैलाएँ यानी कि
प्रदूषण ना फैलाएं, बीट का मतलब चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, और इसी तरह से जो उतने सारे बताए थे ना, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, ई पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, मेडिकल पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन ना फैलाएं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे अच्छा रहेगा, या डैश लगाकर ऐसे करके भी लिख लेना बुलेट डालकर, तो अलग से ही वो चमकेंगे। पब्लिक अवेयरनेस हेल्प्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पब्लिक अवेयरनेस, जनता को जागरूक करना जो है वो बहुत काम आता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने में, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने में, डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने में, रोकने में, एनवायरमेंट का पतन होने के लिए, एनवायरमेंट के पतन से रोकने के लिए। एंड पब्लिक अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज एंथुसियाज्म एंड सपोर्ट एंड टू टेक कम्बाइनिंग एफर्ट्स टू मेक एनवायरमेंटल सेफर। पब्लिक अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है ताकि एंथुसियाज्म फैले, एंथुसियाज्म का मतलब जोश फैले लोगों में, जागरूकता फैले, और लोग सपोर्ट करें और लोग कम्बाइनिंग एफर्ट्स करें, संयुक्त प्रयास करें किसके लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, सेफर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए। तो लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि उनके अंदर जोश का की बढ़ोतरी हो, और वो देखिए हिंदी वालों के लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बना सकूँ, तो उनके अंदर जोश की बढ़ोतरी हो और वो सपोर्ट करें और वो संयुक्त प्रयास करें एनवायरनमेंट को ग्रीनर और सेफर बनाने के लिए, सेफर एंड ग्रीनर, ग्रीनर होगा तो सेफर भी हो जाएगा। टू एनकरेज पीपल टू लिव सिंपल एंड ईको फ्रेंडली लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को सिंपल और ईको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल जीने के लिए प्रेरित कर सकें, ताकि हाउ पब्लिक अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड, किस तरह से पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। पब्लिक अवेयरनेस टू एनवायरमेंटल इशूज़ कैन बी क्रिएटेड बाय कैसे, मेकिंग पीपल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़, लोगों को ये रियलाइज करा के, लोगों को ये महसूस करा के कि कितनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब एनवायरमेंटल इशूज़ की क्या इम्पॉर्टेंस है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेकिंग पीपल कॉन्शियस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों को कॉन्शियस करके, जागरूक करके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में और जागरूकता क्रिएट करने के बारे में। कंडक्टिंग मीटिंग्स, ताकि हम मीटिंग कंडक्ट कर सकें एनवायरमेंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करने के लिए। एक्सपोजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थ्रू आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखकर हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एक्सपोज कर सकें, खोल सकें, सबके सामने रख सकें। इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन एफर्ट्स टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, ताकि हम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओस को इंक्लूड कर सकें, अपने साथ लेकर चल सकें एनवायरनमेंट को संरक्षित बनाने के लिए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त पब्लिक टू एनकरेज पब्लिक को एनकरेज करने के लिए बहुत सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्ट भी हैं और बहुत सारे अवार्ड भी हैं। एक तरफ तो एक्ट हैं और एक तरफ अवार्ड्स हैं, यानी अवार्ड्स और पनिशमेंट दोनों हैं। एनवायरनमेंटल रिलेटेड एक्ट 1927 इंडिया फॉरेस्ट एक्ट आया, फिर देखिए 1927 आप में से बहुत सारों की बर्थडे हो सकती है, इस तरह से याद रख लीजिएगा, जैसे मेरी बर्थडे है 27 दिसंबर, तो आप उसी तरह से याद रख लीजिएगा। अब 27 है क्या, हो गया, अब 27 का उल्टा 72 हो गया, तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, फिर दो साल बाद 1974 में, इसी सीमेट्री में याद करिएगा तो याद हो जाएंगे, 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन आया था, वाटर एक्ट भी लिखेंगे तो चल जाएगा। फिर 6 साल बाद क्या आया, 80 में द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फिर 1 साल बाद क्या आया, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, फिर 5 साल बाद 1986 में, ये तो बहुत ही पॉपुलर एक्ट है, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, और 1991 में क्या आया, अच्छा इसके बाद ये ले लीजिएगा, 1986 के बाद 2 ईयर्स बाद 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई, और 88 के बाद 3 साल बाद 1991 में द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया। जो बच्चे नहीं याद कर पाए वो 3-4 लिख दीजिएगा, आपको तो एक इशारा करना है।
1992 में पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन आया, यानी कि कम करना, अबेटमेंट का मतलब कम करना। एनवायरमेंटल अवार्ड्स कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड है, द महावृक्ष पुरस्कार है, राजीव गांधी एनवायरमेंटल अवार्ड है फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार, ये तो हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं। बिसाइड्स देयर आर गिवन सम स्लोगन्स, कुछ स्लोगन भी दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ नारे भी दिए गए हैं पब्लिक अवेयरनेस को फैलाने के लिए। देयर इज़ एन अर्थ इन एवरी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब आप सभी को पता होगा, प्रिजर्व इट टू सेव द अर्थ। हर मॉलिक्यूल में एक अर्थ है, यानी हर मॉलिक्यूल में एक पृथ्वी है, एक प्लानेट है, इसे बचाएँ और अर्थ को सेफर बनाएँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेक ए फ्रेंड इन एनवायरनमेंट, मेक ए फ्रेंड फॉर ए लाइफ टाइम। अगर आप एनवायरनमेंट में एक मित्र बनाते हैं, जैसे एक पेड़ को अपना मित्र बनाते हैं, तो आप एक लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड बना लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्निंग, ये बहुत बहुत अच्छा है, ये तो आप सभी लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्निंग। आपके भी अगर कोई स्लोगन्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर लिखेगा, हम ज़रूर आपके एफर्ट्स को इनिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ये आता है, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आ सकता है इस बार, दोनों ही। फूड चेन और फूड वेब क्या है? फूड चेन क्या है? फूड चेन रेफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में होने वाले ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को, यानी घटनाओं के चक्र को, घटनाओं के क्रम को रेफर करती है, जहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और लेटर ऑन बाद में वो ऑर्गेनिज्म खा लिया जाता है उससे बड़े ऑर्गेनिज्म के द्वारा। यानी एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तत्पश्चात दूसरा जीव जो है वो अपने से बड़े जीव द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल फॉर्म ए फूड चेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स का फ़्लो है एंड एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का जो फ़्लो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के बीच में एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर, 3 चीज़ें हैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, कि एक तो क्या न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का फ़्लो, फिर कहाँ से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के बीच में, तो ये दूसरी चीज़ हो गई, और तीसरा एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ़्लो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के बीच में, वही फूड चेन का निर्माण करता है। टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन 2 तरह की होती हैं, डेट्रिटियस फूड चेन, डेट्रिटियस फूड चेन में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट होती हैं, जैसे कि एलगी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, माइट्स, इंसेक्ट, वॉर्म्स एंड इसी तरह से और। डेट्रिटस फूड चेन जो है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से बिगिन होती है। फूड एनर्जी पासिस इनटू डिकम्पोजर्स एंड डेट्रिटिवर्स, फूड एनर्जी इसमें डिकम्पोजर्स पर और डेट्रिटिवर्स पर पास होती है, विच आर फर्दर ईटन, जिनको बाद में डिकम्पोजर्स और डेट्रिटिवर्स को बाद में खा लिया जाता है स्मॉलर ऑर्गेनिज्म द्वारा, इनसे छोटे जीव जंतुओं द्वारा, जैसे कार्निवोरस और कार्निवोरस लाइक मैगट्स। मैगट्स बिकम ए मील फॉर बिगर कार्निवोर्स लाइक, अब मैगट्स को किसका आहार बन जाते हैं, मैगट्स जो है वो अपने से बड़े कार्निवोर्स का आहार बन जाते हैं, जैसे फ्रॉक्स, स्नेक्स और इसी तरह से दूसरों का। प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड सो ऑन आर डेट्रिटिवर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जैसे कि ये सारे, ये डेट्रिटिवर्स होते हैं जो डेट्रिटस पर फीड करते हैं, डिपेंड करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन, ये देखिए टाइप्स ऑफ फूड चेन जो है वो उसमें आ सकता है आपका 2 मार्क्स में, और इस तरह से आपको डेट्रिटियस फूड चेन के बारे में और इसके बारे में पूछा जा सकता है, ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है 2 मार्क्स के लिए। इट स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स, ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो ग्रीन प्लांट्स से स्टार्ट होती है, पासेस थ्रू हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स पर पास होती है और इसके बाद कार्निवोर्स पर पास होती है। ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी जो है लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर एक्वायर की जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। फूड चेन की टाइप्स मेजरली 4 तरह के होते हैं। पार्ट्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन के पार्ट 4 होते हैं। द सन,
सन इज़ द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, सन जो है वो इनिशियल यानी प्रारंभिक सोर्स होता है एनर्जी का, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है हर चीज़ को प्लैनेट में। आपको पता ही है कि सन जो है एनर्जी का प्रारंभिक सोर्स है, जो प्लैनेट में हर चीज़ को एनर्जी प्रदान करता है। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स एक फूड चेन में जो हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, साइनोबैक्टीरिया, एलगी, ग्रीन प्लांट्स। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज इन ए फूड चेन, ये जो है वो फूड चेन की फर्स्ट स्टेज होती है, यानी प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेज होती है। प्रोड्यूसर्स यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द सन, प्रोड्यूसर्स जो है वो सन से एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी सन से एनर्जी लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स आर ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। कंज्यूमर्स वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो या तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं या दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंडेंट रहते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फूड वेब, ये फूड वेब का सबसे बड़ा पार्ट है क्योंकि इसमें सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो आपको देखो ये भी, ये जो है अलग से बहुत बार पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ 2 मार्क्स के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि कंज्यूमर सबसे बड़ा, इसमें तीन बातें याद रखनी है कि कंज्यूमर्स जो है वो सबसे बड़ी फूड चेन है, फूड वेब है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फूड वेब है, क्योंकि इसमें लगभग सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये बेसिकली कंज्यूमर्स क्या हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो या तो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। इट इंक्लूड्स हर्बीवोरस, इसमें हर्बीवोरस होते हैं जो वो एनिमल हैं जो केवल प्लांट खाते हैं। फिर इसमें वो होते हैं कार्निवोरस विच आर एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, इसमें कार्निवोरस होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फिर पैरासाइट्स को खाते हैं, परजीवियों को खाते हैं, दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म बाई हार्मिंग दैम। और फिर इसमें जो है पैरासाइट्स आते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं बाई हार्मिंग दैम। एंड लास्टली द स्कैवेंजर्स, और लास्टली इसमें स्कैवेंजर्स आते हैं विच आर एनिमल्स दैट ईट डेड एनिमल्स कारकासेस, कारकासेस का मतलब होता है अवशेष। तो स्कैवेंजर होते हैं जो दूसरे एनिमल के अवशेष को खाते हैं, यानी डेड एनिमल्स को, डेड और डिकेड एनिमल्स को खाते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, इसमें क्या है, हर्बीवोरस आते हैं प्राइमरी लेवल पर, जिसमें वो एनिमल्स, हर्बीवोरस कौन से एनिमल है, वो एनिमल हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। फिर कार्निवोरस आते हैं जो वो एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, उनको हार्म पहुँचाते हैं। और इसके बाद स्कैवेंजर होते हैं जो डेड और डिकेड को खाते हैं या एनिमल्स की कारकासेस को खाते हैं। हियर हर्बीवोरस आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर माना जाता है, कार्निवोरस को सेकेंडरी माना जाता है, और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्रोड्यूसर्स। फिर आता है डीकम्पोजर, डीकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी एनर्जी डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, ये लास्ट स्टेज है फूड चेन की। डीकम्पोजर इंटीग्रल पार्ट होते हैं फूड चेन का, क्यों होते हैं, क्योंकि इंटीग्रल का मतलब बहुत ही विशिष्ट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक और वेस्ट मटेरियल को खाते हैं और ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल में। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग, ये न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। तो ये देख लीजिएगा, अब आता है फूड वेब, सेवरल इंटरकनेक्ट। अब फूड वेब क्या होता है, ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है, आएगा ही, मतलब आएगा क्या 2023 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म ए फूड वेब, पहले तो आप फूड वेब का जब आएगा तो क्या करते हैं, ये वाली लाइन लिखेगा और उसके बाद फूड चेन को भी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा। ए फूड वेब इज़ कंपेरेटिवली लार्जर देन ए फूड चेन, फूड वेब जो है वो फूड चेन से ज़्यादा बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि इसमें कई सारी फूड चेन ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ओकेजनली ए सिंगल ऑर्गेनिज्म इज़ कंज्यूम्ड बाई मैनी प्रीडेटर्स, ओकेजनली क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है उसको बहुत सारे प्रीडेटर्स खाते हैं, और इट कंज्यूम्स सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, और ये दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म को खाता है। इसके कारण से बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। फूड चेन फेल्स टू शोकेस द फ्लो ऑफ एनर्जी, फूड चेन जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी को नहीं दिखा पाती राइट वे में, बट द फूड वेब, लेकिन फूड वेब जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एनर्जी फ्लो का करती है। देखिए एक चीज़ और भी आ सकती है कि डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और फूड वेब,
तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा अच्छा सा बन जा रहा है। इट डिस्प्लेस द इंटरकनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो ये याद कर लीजिएगा। अब आता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम टाइप्स, ये भी 7 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, जो पहले हम इकोलॉजी को परिभाषित करेंगे। इकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स से लिया के कॉम्बिनेशन से लिया गया है, ओइकोस और लोगस। ओइकोस का मतलब है ओइकोस, ओइकोस का मतलब है होम और लोगस का मतलब तो स्टडी होता ही है। तो इकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की स्टडी इन देयर, ये देयर है TH EIR, इन देयर नेचुरल होम, उनके अपने प्राकृतिक घर में ऑर्गेनिज्म की स्टडी, इंटरकनेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग से इंटरैक्ट करते हुए, यानी अपने आसपास के वातावरण से इंटरैक्ट करते हुए अपने नेचुरल होम में ऑर्गेनिज्म की स्टडी, ऑर्गेनिज्म का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। टर्म इकोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकोलॉजी टर्म है वो क्वाइन की गई थी अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1869 में करी गई थी। अर्नेस्ट हैकेल कौन थे, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, और इकोसिस्टम को किसने डिफाइन करा है, सर आर्थर ने, आर्थर जे टेंसले ने 1935 में करा है। तो ये चीज़ें भी आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो आपका, हिंदी वाले बच्चे भी लिख दीजिएगा तो आपका बड़ा अच्छा सा आंसर बन जाएगा। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का सबसे छोटा यूनिट है। इकोसिस्टम इज़ द क्लस्टर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इकोसिस्टम है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज का गुच्छा है, क्लस्टर का मतलब गुच्छा है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो दो चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, क्लस्टर है। एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एक जो कॉम्प्लेक्स, एक जो जटिल रिश्ता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, सन, वाटर, क्लाइमेट एटसेट्रा के बीच में इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उन्हीं को इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम आर द फाउंडेशन ऑफ बायोस्फीयर, इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर का फाउंडेशन है और नेचुरल बैलेंस को जो है अर्थ पर बनाने का काम करता है। अगर मान लीजिए ये आ जाता है कि काम क्या है, फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के टाइप्स हैं, इकोसिस्टम जो है नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो कंट्रोल्ड और गवर्न्ड होता है नेचर के द्वारा, जैसे कि पता ही लग रहा है नेचुरल है, तो इसको, इसका जो कंट्रोलिंग है, इसका जो संचालन है, और मतलब गवर्न का मतलब संचालन है, और कंट्रोलिंग जो है नियंत्रण है जो है वो किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा किया जाता है। और इकोसिस्टम का कंट्रोलिंग कंट्रोल मैनिपुलेटेड बाय, इसका जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसका नियंत्रण और मैनिपुलेशन किसके द्वारा, ह्यूमन यानी मानवीय एक्टिविटीज़ के द्वारा किया जाता है। नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो उसको क्लासिफाइड का मतलब उसको डिवाइडेड करा जा सकता है, किस में, टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो धरती पर है, और एक्वेटिक का मतलब जलीय है। यहाँ पे चार्ट बना दिया है। एक्वेटिक में क्या क्या आते हैं, अगेन मैरीन आते हैं, फ्रेश वाटर और ईओस्ट्राइन आते हैं। मैरीन में क्या आता है, एग्जांपल सी और ओशियन, फ्रेश वाटर में लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ईओस्ट्राइन में गंगा डेल्टा और रतनगिरी इन महाराष्ट्र। अब टेरेस्ट्रियल की अगर बात करें तो टेरेस्ट्रियल में क्या आता है, टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड आते हैं, डेजर्ट आते हैं, टुंड्रा आते हैं, है ना, और पोलर आते हैं। अब ग्रासलैंड में क्या आता है, ग्रासेस, हर्ब्स, ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड। डेजर्ट में क्या आते हैं, वेरी लिटिल रेन, जहाँ पर बहुत कम रेन होती है, जैसे थार डेजर्ट। अब टुंड्रा जो होते हैं उनमें क्या आते हैं, रेनफॉल इज़ स्केयर्स, स्केयर्स का मतलब कमी, रेनफॉल बहुत कम आता है, और बहुत टुंड्रा क्या है, बहुत कोल्ड रीजन होते हैं, बहुत ही ठंडे प्रदेश होते हैं। पोलर में क्या आता है, रेगुलेट क्लाइमेट, इसमें रेगुलेटिंग क्लाइमेट होती है, यानी एक सी क्लाइमेट होती है, और इसमें क्या आता है, पोलर में ग्लेशियर्स और आइस शीट्स आते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को किस में डिवाइड करा जा सकता है, लैंटिक इकोसिस्टम में और लॉटिक इकोसिस्टम में। लैंटिक में वाटर जो है वो स्टेबल रहता है, स्टेबल का मतलब रुका हुआ रहता है, जैसे लेक और पॉन्ड। और लॉटिक में वाटर फ्लो जो है यहाँ से वहाँ फ्लो होता रहता है, जैसे स्ट्रीम्स और रिवर। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में फील्ड्स और गार्डन्स, और एक्वेटिक में एक्वेरियम।
स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक की अगर बात करें तो इससे मुझे याद आया कि एबायोटिक और बायोटिक क्या है, ये भी आएगा आपका। और हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, वो हमने बड़े अच्छे से, बहुत ही प्यार से आपके लिए सॉल्व करा है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी अभी आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे रिपीटेड। एबायोटिक में फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, केमिकल फैक्टर्स आते हैं, यानी दो पार्ट हैं। फिजिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें सोलर रेडिएशन, मॉइस्चर, नमी, मॉइस्चर का मतलब है नमी, विंड करंट आता है ना। और केमिकल फैक्टर में सॉयल, वाटर, ऑक्सीजन और मिनरल्स आते हैं। अब एबायोटिक की बात करें तो ये फिर से वही आ गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं अपने, कैसे, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, एयर, वाटर और सॉयल का यूज़ करके। सन उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, पहले भी पढ़ लिया। बींग एबल टू मेक देयर ओन फूड मेक दैम यूनिक। अपना फूड क्योंकि खुद बनाते हैं, इससे वो यूनिक हो जाते हैं, अनोखे हो जाते हैं, रेयर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एलगी, स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये थोड़े जो अगर आपसे याद रख पाएँ तो लिख लीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? प्रोड्यूसर से अलग हटकर, अनलाइक का मतलब अलग हटकर, ये क्या करते हैं, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते। फिर क्या करेंगे, ये खुद तो नहीं बना पाएंगे, तो दे ईट प्लांट्स, ये प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, वो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। दस द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज कॉल्ड कंज्यूमर्स। इस तरह से वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते, वो कंज्यूमर हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। ये जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं अपने फूड और अपने सर्वाइवल दोनों के लिए। कंज्यूमर्स को जो है हेटरोट्रॉफिक भी कहा जाता है। कंज्यूमर की भी अब तीन कैटेगरी हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्टियरी। प्राइमरी में हर्बीवोरस आते हैं, यानी कि ग्रास होपर, डियर और काउ। और सेकेंडरी में क्या आते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस और सेकेंडरी कार्निवोरस। प्राइमरी में फ्रॉग्स, स्पाइडर्स, लिजार्ड्स और सेकेंडरी में स्नेक्स और फिश। टर्टियरी में अब क्या आता है, टर्टियरी में जो है जी, टर्टियरी में आपके आते हैं फिश एट्सेट्रा। डीकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल को ब्रेक डाउन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको डीकम्पोजर कहा जाता है। डीकम्पोजर जो है उनको क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो डेड और डिके मटेरियल को खाकर ख़त्म कर देते हैं, जैसे फंगी, बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, एक तो ये लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स का साइकिलिंग इससे बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि एक जो है वो दूसरे को, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और दूसरे वाला अपने से बड़े वाले को, दूसरे वाले को अपने से बड़ा वाला खा जाता है। हेल्प्स इन फ्लो ऑफ एनर्जी, ये फ्लो ऑफ एनर्जी में हेल्प करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी हमने क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें से आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे तो इम्पॉर्टेंट ही लग रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, वो डेवलपमेंट, पहले तो आपको इसकी हिंदी पता लगनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है सतत विकास। अब सतत विकास होता क्या है, सतत विकास का मतलब है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की ज़रूरतों को मीट, माने पूरा करना, यहाँ पर मीट का मतलब पूरा करना, आज की ज़रूरतों को पूरा करना। और कैसे पूरा करना, कि
फ्यूचर आने वाली जनरेशन्स की जो एबिलिटी है उससे समझौता किए बिना, कंप्रोमाइज़ किए बिना, यानी समझौता किए बिना, तो आज की ज़रूरतों को पूरा करना कल की जनरेशन की गुणवत्ता से समझौता करे बिना आज की नीड्स को पूरा करना। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये ब्रंट लैंड ने दिया था, जो कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे। ये ज़रूर आप याद रखेगा। ये मैं देखिए बहुत रिसर्च करके बनाती हूँ, तो आप अगर लिखेंगे तो ये सोचिएगा कि आप मेरी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। इसमें कब दिया था? 1983 में दिया था। कौन सी रिपोर्ट में? आवर कॉमन फ्यूचर, इस रिपोर्ट में इन्होंने दिया था। तो फिर से देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रंट लैंड ने दिया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्वे के, 1983 में दिया था। अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दिया था। इस रिपोर्ट को जो है WCED भी कहा जाता है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी क्या इम्प्रूव करती है? क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स, हमारे जीवन की गुणवत्ता का सुधार करती है। प्रोटेक्ट्स आवर इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को बचाती है। प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का बचाना संवर्धन करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्लोगन हैं, नारे हैं, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे मत छोड़ो। पिलर्स क्या हैं? 8 पिलर्स हैं। पीपल, लोग, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, प्लानेट यानी कि हमारा ग्रह, पीस यानी कि शांति, पार्टनरशिप। तो ये 8 नहीं है, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5 पीज हैं ये, पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब अनुबंध लिख दीजिएगा, साझेदारी लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, ये इंग्लिश में ही लिख दीजिएगा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, क्रॉप रोटेशन, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, ग्रीन स्पेस। और भी जो आपको निकले वो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं बहुत अप्रिशिएट करेंगे हम। अब आता है गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू प्रमोट द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ऐसे डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ऐसे डेवलपमेंट को बढ़ावा देना जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम कर सके, मिटिगेट कर सके, मिनिमाइज कर सके, मिटिगेट कर सके। टू मीट द नीड ऑफ द एग्जिस्टिंग जनरेशन, आज की जनरेशन की नीड को, आवश्यकताओं को पूरा करना बिना एनवायरमेंट की क्वालिटी से समझौता किए बिना। नीड फॉर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू स्लो द डेटोरिएशन ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि डेटोरिएशन का मतलब क्षति, नुकसान। एनवायरमेंट का नुकसान की गति को स्लो डाउन करना, धीमा करना। टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करना कि ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट जियोपार्डाइज्ड, ह्यूमन लाइफ जियोपार्डाइज्ड नहीं है, क्षतिग्रस्त नहीं है। चेकिंग एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी, जो एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी है, एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब है विध्वंसकारी, जो विध्वंसकारी तकनीकी है उसको चेक करना और उसके अल्टरनेटिव यानी कि उसके विकल्प तलाशना। टू प्रिवेंट द ओवर यूज़ एंड वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक यूज़ और वेस्टेज को रोकना। अब कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सोशल कंपोनेंट है, इकोनॉमिक कंपोनेंट है और एनवायरमेंटल कंपोनेंट है। सोशल कंपोनेंट में क्या आती है? वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्पैक्ट ऑन द लोकल कम्युनिटीज़, यानी कि लाइफ की क्वालिटी को सुधारना और लाइफ की क्वालिटी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आसपास की कम्युनिटीज़ पर, यानी समुदायों पर, यानी लोगों पर। अंडर रेटेड ग्रुप्स बेनिफिट यानी कि जो ग्रुप के बेनिफिट्स हैं जो अंडर रेट हो गए हैं उनको देखना। रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पर जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको कम करना। एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स में क्या आता है? रिड्यूस वेस्टेज, वेस्ट वाटर आउटपुट एंड एनवायरमेंट, इसमें वेस्ट को, वेस्ट वाटर आउटपुट को, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, कम करना। यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूअल रिसोर्सेज, रिन्यूअल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करना।
टॉक्सिक केमिकल्स रिमूव होने चाहिए। इकोनॉमिक कंपोनेंट्स में क्या आता है, न्यू मार्केट, नए मार्केट तलाशे जा रहे हैं, क्रिएट करे जा रहे हैं, नए एस्पेक्ट, नए एवेन्यूज़, एवेन्यूज़ का मतलब उपक्रम, नए उपक्रम तलाशे जा रहे हैं सेल्स के लिए, ग्रोथ के लिए। कॉस्ट सेविंग्स आर अचीव्ड, कॉस्ट सेविंग अचीव की जा रही हैं, कैसे, एफिशिएंसी को बढ़ाकर और इम्प्रूवमेंट को बढ़ाकर, और लो रॉ मटेरियल को लो करके, एनर्जी आउटपुट को लो करके एडिशनल वैल्यू क्रिएशन भी किया जा रहा है। अब आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कैसे करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करा जा सकता है कैसे, रेस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करके, उस पर लगाम लगाकर। तो मानवीय एक्टिविटीज़ का मतलब है गतिविधियों को पर लगाम लगाकर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन शुड बी मिनिमाइज, हर तरह के पॉल्यूशन का मिनिमाइज होना चाहिए, हर तरह के पॉल्यूशन को कम किया जाना चाहिए। इट कैन बी अचीव्ड बाय सेंसिबल डेलिबरेट यूज ऑफ इन नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं, जब हम सेंसिबल यानी कि इंटेलिजेंट, जब हम एक इंटेलिजेंट यूज़ करेंगे, एक सोच सूझबूझ से के साथ, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का सूझबूझ के साथ उपयोग करेंगे तो भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द स्टेक ऑफ डिस्टर्बेंस या प्लेइंग विद एनवायरनमेंट। एट द स्टेक ऑफ का मतलब है दांव पर लगाकर। तो ये जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो होना चाहिए, तकनीकी का विकास तो होना चाहिए, लेकिन तकनीकी का विकास किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को ताक पर रख कर या एनवायरनमेंट को दांव पर लगाकर नहीं होना चाहिए। फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रेट ऑफ कंजम्पशन शुड नॉट सरपास द रेट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं तो उनको यूज़ कैसे करना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए हमें क्या करना है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का की खपत है, कंजम्पशन का मतलब जो खपत है, वो उस वो जो है वो रिन्यूअल सब्स्टिट्यूट्स के प्रोडक्शन के रेट्स को सरपास ना कर जाए, गुजर ना जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रिन्यूअल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि उनकी खपत उनके उत्पादन से कम रहे। देयर आर सेट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 सस्टेनेबल गोल्स डेवलप करे गए हैं हमारे संसार को ट्रांसफॉर्म यानी बदलने के लिए, चेंज करने के लिए। गोल नंबर 1 है नो पावर्टी, नो गरीबी। गोल नंबर 2 है ज़ीरो हंगर, हंगर का मतलब भूख होता है। गोल नंबर 3 है, 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, वेल बीइंग का मतलब होता है सलामती। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी यानी कि लिंग समानता। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब है साफ वाटर, सफाई। तो साफ पानी और साफ सफाई। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी बहुत अच्छा काम और आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति। गोल नंबर 9 है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल नंबर 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब असमानता को रिड्यूस करना, रोकना। गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन यानी जिम्मेदारी पूर्वक खपत करना और उत्पादन करना। 12 क्लाइमेट एक्शन है, लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ ऑन अर्थ है, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप्स टू अचीव द गोल्स। तो इस तरह से ये 17 गोल्स हैं। अब आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्चुअली एक टूल है, एक औजार है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करा जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पहचानने के लिए कि क्या
एनवायरमेंटल, क्या सोशल और क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे, क्या प्रभाव होंगे किसी भी प्रोजेक्ट के प्रायर टू इट्स डिसीजन मेकिंग, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को डिसीजन मेकिंग में एग्जीक्यूट करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले, लागू करने से पहले उस प्रोजेक्ट से क्या एनवायरमेंटल, क्या सोशल और क्या इकोनॉमिक प्रभाव होंगे, इनको पहचानने का जो एक हथियार है उसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बोला जाता है। इंडिया में EIA नोटिफाई हुआ किसके अंडर में, एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट के अंडर में नोटिफाई हुआ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत रिसर्च करके आंसर बनाया है। अगर आप हिंदी वाले बच्चे भी लिखाएंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत आपके साथ चल रही है। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर पर्पसेस भी आता है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, नीड भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंस भी आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है EIA का, टू ब्रिंग आउट ए नेशनल पॉलिसी, एक ऐसी नेशनल पॉलिसी का को लाना जो टू एनकरेज प्रोडक्टिव एंड एन्जॉयबल हारमनी, जो प्रोडक्टिव और एन्जॉयबल हारमनी यानी कि समरसता को डेवलप कर सके, एनकरेज कर सके, किसके बीच में, मानव और एनवायरनमेंट के बीच में, तो मनुष्य और प्रकृति के बीच में, मनुष्य और पर्यावरण के बीच में प्रोडक्टिव और एन्जॉयबल हारमनी को सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी का निर्माण करना, टू प्रमोट एफर्ट्स, उन प्रयासों को प्रमोट करना, टू प्रिवेंट और एलिमिनेट डैमेजेस टू द एनवायरनमेंट, प्रिवेंट करने के लिए, और एलिमिनेट का मतलब है मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, डैमेजेस का मतलब है नुकसान, तो एनवायरनमेंट पर होने वाले नुकसानों को कम करने और रोकने के लिए प्रयासों का प्रोत्साहन करना, टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करना, किसके लिए, इकोलॉजिकल सिस्टम को लेकर और नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर, जो नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़ें, क्या इकोलॉजिकल सिस्टम भी और नेचुरल रिसोर्सेज भी जो कि राष्ट्र के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनको लेकर समझदारी का, सोच समझ का विकास करना, समझदारी का विकास करना, बढ़ाना, टू इन्वेस्टिगेट लाइकली इम्पैक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइकली इम्पैक्ट का मतलब है इसी तरह के प्रभावों को, जो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको खोजना, ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के क्या क्या नेगेटिव और क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं उनका पता लगाना, उनको इन्वेस्टिगेट करना। इस तरह से EIA जो है वो एक टूल के रूप में काम करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, जो पॉलिसी मेकर की हेल्प करता है या तो किसी नए अपकमिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव करने में या रिजेक्ट करने में, या थोड़ी गलतियां हैं तो उसे मॉडिफाई करने में। प्रिंसिपल्स ऑफ EIA के 8 प्रिंसिपल हैं, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी, हिंदी वाले बच्चे भी देख लेंगे, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, अकाउंटेबिलिटी यानी कि कारण, क्रेडिबिलिटी यानी साख, कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब है लागत क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन, और प्रैक्टिकलिटी का मतलब है उसका प्रैक्टिकल उपयोग क्या है। स्कोप ऑफ EIA प्रोसेस जो है वो एम्फेसिस करता है, जोर डालता है किसके ऊपर, इवेल्युएट करने के लिए कि क्या एडवर्स और क्या बेनिफिशियल, यानी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं किसके, किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऑन फिजिकल फैक्टर्स, उन सारे फिजिकल फैक्टर्स पर, जैसे एयर क्वालिटी पर, वाटर क्वालिटी पर, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पर, किसी भी आने वाले प्रोजेक्ट के क्या विनाशकारी और क्या जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, इसको स्टडी करता है। टू इवेल्युएट बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स को इवेल्युएट करता है, ये भी इवेल्युएट करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को लाने से सोशियो इकोनॉमिक जो है क्या आर्थिक सामाजिक प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि उस प्रोजेक्ट को लाने से क्या एम्प्लॉयमेंट के, यानी कि क्या रोजगार के क्या अवसर, रोजगार के क्या अवसर, रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे, उनका कितना बढ़ोतरी होगी, रिक्रिएशनल फैक्टर, उसके क्या मनोरंजनात्मक फैक्टर होंगे, मनोरंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मनोरंजनात्मक है ना, और कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा उसका, किसी भी प्रोजेक्ट के को लाने से पहले, बिफोर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इससे पहले कि ये एग्जिस्टेंस में आए, इसके
सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होंगे, यानी कि इससे रोजगार के अवसर की उपलब्धता कितनी बढ़ेगी, इसके मनोरंजनात्मक फैक्टर क्या होंगे और इससे कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। ईआई के प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस स्टेप्स स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग में हमें क्या करना होता है, ये डिसाइड करना होता है इफ़ एंड एट वॉट लेवल, क्यों और किस लेवल पर ईआईए को अप्लाई करना चाहिए। स्कोपिंग में टू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट इशूज़, इसमें इम्पॉर्टेंट इशूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और टर्म्स प्रिपेयर की जाती हैं रेफरेंस की। इम्पैक्ट एनालिसिस में प्रडिक्शन करा जाता है, यानी कि प्रडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी की जाती है कि किसी भी प्रपोजल के इफ़ेक्ट क्या होंगे और उसके प्रभावों को, सिग्निफिकेंस का मतलब उसके लाभों को इवेल्युएट करना यानी उनका मूल्यांकन करना। अब आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। तो ऐसे मेजर्स, ऐसे मापदंड इस्टेब्लिश करना जो प्रिवेंट कर सकें, रिड्यूस कर सकें और जो विकल्प बन सकें, हर्जाना दे सकें इम्पैक्ट का। यानी अगर किसी भी कोई थोड़े बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, कोई थोड़े बहुत जो है क्या कहते हैं एडवर्स इम्पैक्ट हैं, तो उन इम्पैक्ट ऐसे इसमें मापदंड विकसित करे जाते हैं कि वो उन नेगेटिव इम्पैक्ट को रोक सकें, रिड्यूस का मतलब कम कर सकें और उनका विकल्प बन सकें। डिसीजन मेकिंग, इस स्टेप में क्या होता है, द फेट ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिसाइडेड। फेट ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब है भाग्य उस प्रोजेक्ट का डिसाइड होता है, या भाग्य डिसाइड होने का मतलब है वेदर द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। मॉनिटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जो हमने प्रिडिक्टेड इम्पैक्ट, जो हमने भविष्यवाणी की थी जिन इम्पैक्ट की, और जो हमने देखा था कि मिटिगेशन इफ़र्ट्स जो थे वो हो भी रहे हैं ईएमपी के अनुसार या नहीं, यानी जो जिन प्रभावों की हमने संकल्पना करी थी, जिन प्रभावों की हमने भविष्यवाणी की थी और जो हमने सोचा था कि मिटिगेशन एफर्ट्स हैं, शमन करने के एफर्ट्स हैं, कम करने के एफर्ट्स हैं, वो उनको उनका पूरी तरह से मतलब वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईआईए, हेल्प्स टू बिल्ड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सेव्स टाइम एंड मनी, स्प्रेड एनवायरनमेंटल अवेयरनेस। डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन क्या है, लूपहोल्स हैं इसमें, एप्लीकेशन प्रोसेस में इसकी लूपहोल्स हैं, थोड़े बहुत मतलब कमियाँ हैं, लूपहोल्स का मतलब कमियाँ हैं। इनएडिक्वेट पब्लिक पार्टिसिपेशन, इनएडिक्वेट का मतलब है अपर्याप्त यानी इनसफिशियंट पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो पब्लिक भागीदारी है उसकी कमी है इसमें। इनसफिशियंट एक्सपर्टाइज, इसमें एक्सपर्टाइजेशन भी इनसफिशियंट है। और डिपेंडेंसी ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक डाटा एंड एनालिसिस, इसमें जो है हमारी डिपेंडेंसी, हमारी जो निर्भरता है वो टेक्निकल और साइंटिफिक डेटा पर, एनालिसिस पर ज़्यादा है, मैनिपुलेटेड डाटा पर ज़्यादा है और डेटा में एरर पर ज़्यादा है। अब आता है बैलेंस इकोसिस्टम। अब क्या है फॉर द ये भी इम्पॉर्टेंट है, बी सेक्शन में आ सकता है। वैसे इस यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा इसमें कवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए देख लीजिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मुझे ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा लग नहीं रहा है, लेकिन आप तैयार कर लीजिएगा, 2 मार्क्स में या बी सेक्शन में आ सकता है। फॉर द कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस के लिए एक इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरत होती है कि इकोसिस्टम नीड्स टू बी बैलेंस्ड, इकोसिस्टम हमारा बैलेंस रहे। इकोसिस्टम बैलेंस में, इकोसिस्टम बैलेंसिंग क्या है, ये 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट है, एक ऐसी दशा है जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को सुनिश्चित करती है विद इन ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतुओं के समुदायों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की दशा को सुनिश्चित करना ही इकोसिस्टम है। ऐसी डायनेमिक इक्विलिब्रियम जहाँ पर बायोटिक फैक्टर जो है वो रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं एबायोटिक पर, तो जहाँ पर बायोटिक फैक्टर एबायोटिक पर भरोसा करते हैं सर्वाइवल के लिए। व्हाट हैपेंस, क्या होता है अगर इकोसिस्टम बैलेंसिंग नहीं होता, तो इकोसिस्टम बैलेंसिंग नहीं होता तो रिजल्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में आ सकता है, वाटर शॉर्टेज के फॉर्म में आ सकता है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज का मतलब है प्रजातियों की, इसका मतलब है प्रजातियाँ, स्पीसीज का मतलब है प्रजातियाँ, प्रजातियाँ दो विलुप्त होने लगती हैं, ये इकोसिस्टम के इम्बैलेंस से ही होता है। ये बैलेंस्ड इकोसिस्टम, कुछ सिंबल्स, कुछ पहचान प्रतीक, ये बैलेंस इकोसिस्टम कंप्राइजेस, एक बैलेंसिंग इकोसिस्टम कंप्राइज करता है दोनों ही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को,
इट ऑल्सो एग्जिबिट्स रिसोर्सफुल एनर्जी. इसमें जो है रिसोर्सफुल एनर्जी भी एग्जिबिट होती है इसेंशियल रिसोर्स के और मटेरियल रिसाइकलिंग के साथ, जहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करती हैं एनवायरनमेंट में. नॉन लिविंग फीचर्स जैसे कि एबायोटिक, जो जिनमें सनलाइट, टेम्परेचर, सॉयल, लैंडस्केप, मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब नमी और इससे ज़्यादा चीज़ें भी आती हैं, वो सब आती हैं. सिमिलरली इसी के साथ साथ लिविंग मतलब बायोटिक फीचर्स जो हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर्बिवोरस होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, वो आते हैं इसमें. देन देयर कम्स, इसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं जिनको कार्निवोरस और ओमनिवोरस भी बोला जाता है. इसके अलावा डेट्रिटिवोर्स होते हैं जो डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं. इफ़ देयर इज़ अ चेंज, और अल्टरेशन का मतलब भी बदलाव, अगर एक चेंज आता है, बदलाव आता है, तो इवन एनी वन फीचर, इनमें से किसी एक फीचर में भी अगर एक बदलाव आता है तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है. अब सोल्यूशन जो है बैलेंसिंग इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी. रिफॉरेस्टेशन एक तो हमें करना होगा, यानी फॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, बायोफ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा, बायो ईंधन का, है ना, बायो ईंधन का उपयोग करना होगा. वाटर कंजर्वेशन, वाटर का, पानी का संरक्षण करना होगा. यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली, हमें नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा बुद्धिमत्तापूर्वक, डेलिब्रेटली इंटेलिजेंटली, यानी बुद्धिमत्तापूर्वक यूज़ करना होगा. रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़, फॉसिल ईंधन का यूज़ कम करना होगा. रिन्यूअल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना होगा. और पब्लिक अवेयरनेस यानी जनता में जागरूकता, स्प्रेड का मतलब फैलाने की ज़रूरत है. इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. इकोलॉजिकल पिरामिड होता है क्या है, जोग्राफिकल डिपिक्शन होता है, यानी कि डिपिक्शन का मतलब चित्रण, ग्राफिकल डिपिक्शन होता है. ग्राफिकल का मतलब है ग्राफ द्वारा चित्रण होता है, जिसका मतलब होता है इलस्ट्रेट करना, व्याख्या करना, रिलेशनशिप की व्याख्या करना डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनमें जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में उनके आपसी संबंधों की व्याख्या करना होता है, और उनके आपसी संबंधों की व्याख्या किसके द्वारा, ग्राफिकल डिपिक्शन के द्वारा. ईच ऑफ द बार्स, ये जो बार्स हैं, है ना, ये क्या दिखाती हैं, ये जो कड़ियाँ हैं वो क्या दिखाती हैं, दैट मेकअप पिरामिड. पिरामिड को बनाने वाली हर बार जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करती है और उनके ऑर्डर को, उनकी व्यवस्था को चित्रित करती है, जो किस पर बेस होता है कि किसने किसको खाया, कौन किसको खाता है. तो कौन किसको खाता है, इसकी व्यवस्था को दिखाने वाली, डिफरेंट टॉपिक लेवल पर कौन किसको खाता है, इस व्यवस्था को दिखाने का जो क्रम है, वही इकोलॉजिकल, वही जो है वो बार्स के द्वारा दिखाया जाता है. इकोलॉजिकल पिरामिड्स वर डेवलप्ड बाय चार्ल्स एल्टन. ये देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च से ढूंढा है, तो आप ज़रूर लिख कर आइएगा. इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे इन्होंने, एनिमल जूलॉजिस्ट और इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे इन्होंने. 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड की रचना की, और क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने की थी एल्टन, तो इनको एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है. थोड़ा सा ये लिख देंगे तो हिंदी वाले बच्चे भी, तो इसमें ज़रा आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे मार्क्स. अब आता है टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ नंबर्स में क्या होता है, ये इस तरह से बनता है पिरामिड, टर्टियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी और प्रोड्यूसर. इस टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉफिक लेवल पर जो है वो एज ए लेवल इन द पिरामिड, पिरामिड के हर लेवल पर समझे जाते हैं. पिरामिड ऑफ नंबर्स इज़ यूजुअली अपराइट. ये पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो यूजुअली अपराइट होता है, यानी कि देखिए हमने बनाया है ना ऐसे, ये ऐसे नहीं होता है, सॉरी ये देखिए ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, है ना, ये नहीं होता, बल्कि ऐसे होता है, अपराइट होता है, इसे अपराइट बोलते हैं, ऊपर की तरफ. तो पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है.
कुछ सिचुएशन को छोड़कर, जैसे कि डेट्रिटिस फूड चेन का जो पिरामिड है वो अपराइट नहीं होता है, जहाँ पर मैनी ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आता है प्लानेट ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन होते हैं। इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ईच लेवल टेक्स इन टू अकाउंट द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाई ईच ट्रॉफिक लेवल। इसमें जो है ईच लेवल टेक्स इन टू अकाउंट, हर लेवल को गिना जाता है अमाउंट ऑफ बायोमास के आधार पर, जो अमाउंट ऑफ बायोमास हर ट्रॉफिक लेवल पर रिलीज होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी अपराइट ही होता है, एक्सेप्ट उनके अलावा जो ओशियंस में देखे जाते हैं, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जू प्लैंकटन्स जो हैं वो रिलेटिवली छोटे फाइटोप्लैंकटन्स पर डिपेंड होते हैं। तो जिनमें ऐसा होता है उनको छोड़कर बाकी सब में अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसमें टर्टियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और प्रोड्यूसर्स होते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी ही एकमात्र ऐसा है जो विच इज़ ऑलवेज अपराइट, जो हमेशा ही अपराइट होता है, जिसमें एनर्जी फ्लो फूड चेन में यूनि डायरेक्शनल में फ्लो होता है, यानी दोनों ही डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल का मतलब है दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। एनर्जी इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट। एनर्जी जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ती जाती है, तो विद एवरी इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल, हर बढ़ते हुए ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ कुछ एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में खोती जाती है। तो ये था हमारे इसमें से। देखिए मैं अगर फिर से बता दूँ आपको, तो बेसिकली देखिए, एक तो आपका जो है स्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्कोप लॉन्ग क्वेश्चन में है ना, 7 मार्क्स में, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो है पब्लिक अवेयरनेस का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 7 मार्क्स में, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और एक मेरे को चौथा इकोसिस्टम का भी लग रहा है, बाकी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है उसमें से देख लीजिएगा। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट ए लाइक टू द वीडियो एंड काइंडली सेंड योर सजेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।